हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप लोगों का बहुत स्वागत है। सो मैं यहाँ पे सज धज के रेडी हो चुकी हूँ और ये वीडियो थोड़ा पुराना ही है, मीन्स 3 महीना पहले या फिर इससे भी ज़्यादा होगा, डेट भी है मुझे याद नहीं है। हम लोग को एक्चुअली एक बर्थडे पार्टी अटेंड करना था, तो एक्चुअली बर्थडे बॉय का एज 2 या फिर 1 ईयर था, मुझे याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अगर वो लोग भी अगर देख रहे हैं बर्थडे को, मीन्स ये ब्लॉग को, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सा थीम डेकोरेट किया है बच्चों वाला। और सबसे अच्छा लगा कि हिंदुइज़्म को मीन्स ट्रेंड में लाया है, डेकोरेशन में लाया है, जैसे कि गोपाल जी को मक्खन चुरा रहे हैं ऐसे खा रहे हैं, मतलब ये वाला डेकोरेशन था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बेबी तो मीन्स कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। केक भी बहुत सुंदर था और बाकी सो जो सारे बच्चे थे उन लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चे लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं केक काटने के लिए। तो वही यहाँ पे सेशन चल रहा है केक कटिंग का। तो मींस अचानक ही प्लान बना था, हम लोग जाने वाले नहीं थे एक्चुअली, लेकिन अचानक प्लान बना के चले ही जाते हैं। इनवाइट किया है, बच्चे को गिफ्ट भी देना है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उन लोग ने 2 टाइम पानी मींस पार्टी सेट किया था, तो सुबह एक टाइम तो सुबह हम लोग नहीं जा पाए थे। और ये है मींस लड़के का दादा दादी, फिर मम्मी, फिर पापा, पापा के गोद में है, तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा डेकोरेशन सच में अच्छा लगता है। और पार्टी में क्या होता है, अकेले सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है, आप तो प्लान करते हैं लेकिन बहुत लोग एक्स्ट्रा रहना भी पड़ता है, जो लोग मीन्स हेल्प करते हैं, जैसे कि ये स्नोफॉल जैसा क्रिएट करना, स्पार्कल्स गिराना, तो ये सब मीन्स मैटर करता है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन करेंगे। और हर वक्त क्या होता है, मैं जैसे कि देखती हूँ हम लोग कोई भी अगर पार्टी में कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं कि ये सब करेंगे वो सब करेंगे, लेकिन इतना मीन्स उस टाइम क्राउड रहता है और तामझाम रहता है ना, तो याद ही नहीं रहता कौन सा करे कौन सा ना करे। और बाद में जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तब पता लगता है अरे हमने वो नहीं किया। तो ये सब कोऑर्डिनेशन देख के पता मीन्स बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मॉकटेल भी रखा गया था, तो यहाँ पे फायर मॉकटेल था, कॉकटेल नहीं था शायद, मॉकटेल ही था, क्योंकि बच्चों का बर्थडे है ना, तो कॉकटेल रखना मुझे लगता है ठीक भी नहीं होगा। उन लोग ने भी बहुत ही अच्छे से मीन्स अरेंज किया था। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो फायर मीन्स खाने का, बहुत टाइम से मैं देख रही थी मीन्स फायर पान जैसे होता है, फायर मीन्स मॉकटेल होता है, बहुत लोग खा भी रहे थे, मैं वेट कर रही थी और बहुत लोगों का मीन्स लाइन था यहाँ पे मीन्स खाने का, तो मैं भी वेट कर रही थी, मैं भी रेडी हो रही थी वीडियो के साथ। और सच में मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा साहस करके ये वाला मीन्स लिया था, लेकिन मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था कि ये मीन्स आग मेरे मुंह पे लग रहा है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर हमने मॉकटेल एंजॉय किया और यहाँ पे डीजे भी था, तो डीजे का कुछ साउंड मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मीन्स कॉपीराइट तो ओबियसली आ ही जाएगा। और यहाँ पे डीजे मीन्स लाइटिंग के साथ मज़ा आता है। और यहाँ पे सारे स्टार्टर्स है ऊपर मीन्स है एक्चुअली ऊपर, और एक फ्लोर है वहाँ पे है एक्चुअली मेन कोर्स, तो यहाँ पे स्टार्टर सब लोग एंजॉय कर रहे थे मॉकटेल के साथ। और हम लोग देखिए कितने लाल लाल हो चुके हैं लाल इश्क वाला। और यहाँ पे एक्चुअली लाइटिंग ही ऐसा था तो मज़ा आ रहा था देख के, मीन्स कैसा स्कीन मीन्स एलियन जैसा हो रहा था। और इसके बाद हमने डिसाइड किया चलो अभी स्टार्टर खा लेते हैं, स्टार्टर में पनीर टिक्का, फिर मीन्स पॉपकॉर्न ये सब था, मीन्स फिश टिक्का था, फिश फ्राई था, तो ये सब हम देख रहे थे। फिर हमने फ़ोटो भी क्लिक किया और मेन कोर्स में क्या क्या था वो सब और दिखाना पॉसिबल नहीं हुआ, हम लोग खा के फटाफट आ चुके थे। सो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, बाय बाय।